हमारे यहां बहुत सारे लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ में, कुछ मराठी भाषी है, हिंदी भाषी है, इंग्लिश भाषी है, दिल्ली से, नेशनल मीडिया से लोग यहां उपस्थित हैं। सुबह से बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि मिलिंद जी, आपने आपके फैमिली का 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। एकनाथ जी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा, और आज जो अफसोस की बात है कि वही पार्टी जिस पार्टी ने 30 साल पहले, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, द सेम पार्टी दैट अशर्ड इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 30 इयर्स अगो इज अ पार्टी दैट इज अब्यूजिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, अब्यूजिंग बिजनेसमैन एंड कॉलिंग बिजनेसमैन एंटी नेशनल्स। द सेम पार्टी दैट यूज टू ऑफर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस टू दिस कंट्री ऑन हाउ टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड, आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है तो उसका भी विरोध करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जिस राजनीति में विश्वास करता हूं, मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म। मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस और नेगेटिविटी। मैं एकनाथ जी को एक बात कहना चाहता हूं कि सुबह से, एकनाथ जी आपने भी स्वयं देखा होगा कि हर एक ट्रेडर एसोसिएशन, जिनकी वजह से आज हम गर्व से कहते हैं कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, कपड़ा बाजार से लेकर मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मार्केट, जवेरी बाजार से लेकर डायमंड मार्केट, सभी लोग हमारे साथ हैं। और लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि मिलिंद जी, हम आपके नेतृत्व में एकनाथ जी के साथ, हम उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, शिवसेना के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, और एक बार मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनने में हम मुंबई के हाथों को, मुंबई की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, ताकि सामान्य लोगों को रोजगार मिले। आज दोस्तों, भारत में केंद्र में और राज्य में मजबूत सरकार की आवश्यकता है, और हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अधिक मजबूत है। आज महाराष्ट्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जो मैंने मराठी में कहा कि जमीनी वर से नेते आए, इतने एक्सेसिबल, मैंने इतने सालों में वर्षा को, बंगले को इतने एक्सेसिबल कभी नहीं देखा है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र की जनता के लिए। उनके नेतृत्व में हमें मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाना होगा, और मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज मुंबई और भारत अधिक सुरक्षित है, आज मुंबई और भारत की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर है, और आज मुंबई और भारत में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आउट हो रहा है वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। और मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से
एकनाथ शिंदे जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कभी हम सोच नहीं सकते थे इस मुंबई में इतने सालों से, जो मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में शिंदे जी, मुंबई पर एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। ये मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इस अचीवमेंट का कारण है नरेंद्र मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी की नीतियों। मेरे यहां उपस्थित सभी शुभचिंतकों को, सभी समर्थकों को मैं अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने सुख और दुख में मेरा साथ दिया। आप सब जानते हैं कि ये निर्णय, मेरे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन जो यहां उपस्थित है और जो यहां हमारे साथ आज नहीं है, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए हम बाला साहेब के शिवसेना के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी के हाथों को मजबूत करें, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और मुंबई, महाराष्ट्र और भारत के और बेहतर सेवा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।